नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की राजधानी से राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर तक हर हिस्से में 142 सांसदों को निलंबन के विरोध में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से किया गया, उसमें कितनी सफलता मिली, कितना सफल रहा विपक्ष का यह आंदोलन। और राजस्थान में तो इसकी शुरुआत बाकायदा विधानसभा में शपथ ग्रहण में ही कांग्रेस के विधायकों द्वारा शुरू कर दी गई थी। तो आज विपक्ष का ये विरोध कितना सफल रहा, लोकतंत्र को बचाने की ये मुहिम कितनी कारगर हुई, आने वाले दिनों में इसे किस तरह से देखा जाएगा और इसका कितना दबाव देश की सरकार पर, मौजूदा सरकार पर देखने को मिलेगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापतियों के द्वारा इस पर किस तरह की टिप्पणी, आने वाले दिनों में किस तरह का रिएक्शन, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश अगले एक घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजेश कटारा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण कुमार जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से। गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। संगीता परिक्रमा जी और राजीव जैन जी। माफ कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश कटारा जी आपसे ही करना चाहेंगे। लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर आप घर की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसा रहा आज का विरोध? जी मीना शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह से लोग चोर मचाए शोर। सुना बीजेपी वाले भी कुछ इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, वो किस चीज का आंदोलन कर रहे हैं? हम तो अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सांसदों को एक निलंबित कर दिया गया। किस तरह के आरोप लगाए गए, कोई कभी कह रहे हैं साहब एक जाट का अपमान हो गया, 750 किसान सड़कों पर मर गए, उसमें कितने जाट थे, क्या तब उस समय अपमान नहीं हुआ? इस तरह की बातें करके क्या देश को बरगलाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? उल्टा और खुद ही आंदोलन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बताइए किस हद तक जाएगी ये पार्टी, किस हद तक इस समाज को लेके जाना चाहते हैं? कि इस तरह की बातें करके क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को और देश को? राजनीति राजनीति तक करें तो ठीक रहे, आज कहां की कहां राजनीति इन्होंने पहुंचा दी। राजेश कटारा जी, विरोध प्रदर्शन में कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के आसपास जो बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे नजर नहीं आ रहे जिनको होना चाहिए। देखिए, विरोध प्रदर्शन में जिनको जाना था सब गए, जिला कांग्रेस कमेटी पे भी प्रदर्शन हुए हैं, इस तरह से जगह जगह सबको जिम्मेदारी दी गई थी, सब जगह ही प्रदर्शन हुए हैं जी। और कितना सफल हुआ है आपका प्रदर्शन, ये आपने बताया। कृष्ण कुमार जानू जी, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से इतनी कभी नहीं की गई, ये आरोप लग रहे हैं। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये देश देख रहा है। तो क्या विपक्ष को ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात को सदन के भीतर रखे? मीना जी, विपक्ष को सदन में बात रखने से कौन रोक रहा है? अगर विपक्ष सदन चलाने के नियमों का उल्लंघन करेगा, सर्वदलीय बैठक में जिन नियमों का निर्धारण होगा और खुद विपक्ष बाद में उनका उल्लंघन करेगा, तो क्या निलंबन नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर टीएमसी के सांसद ने जो किया, राहुल गांधी जी ने जो वीडियो बनाया, वो विपक्ष के सांसद हैं, उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, कानून तोड़ने की छूट होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं मेरे मित्र? राहुल गांधी जी के वीडियो बनाने में क्या किसी को आपत्ति थी, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि राहुल गांधी ने अगर कुछ सांसदों के द्वारा कुछ वहां पर किसी भी तरह का कृत्य किया जा रहा था और उसे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? गोविंद चतुर्वेदी जी, मिमिक्री इस देश की संसद में और विधानसभाओं में अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है,
उस मिमिक्री को लेकर राहुल गांधी के वीडियो बनाने पर आपत्ति कितनी उचित मानते हैं आप विपक्ष की बीजेपी मिमिक्री बनती है किस संदर्भ में बनती है जिस प्रकार का आचरण वहां संसद की सीढ़ियों पर हो रहा था और जिस प्रकार के ठहाकों के बीच जो मजाक बनाया जा रहा था मीना जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ केवल निलंबन राज्यसभा में हुआ या लोकसभा में हुआ अगर एक ही काम कानून की परिधि में रहकर दो व्यक्तियों ने किया तो एक का मजाक उड़ाना एक के विषय में चुप रहना ये कुंठित मानसिकता कुत्सित मानसिकता का कांग्रेस ही प्रयास नहीं तो और क्या है कृष्ण जी मैं आपके पास आऊंगी ना वापस सवाल तो मेरा गोविंद चतुर्वेदी जी से था उनको जवाब देने दीजिए मीना जी देखिए दो तीन चीजें हैं इस सब में पूरे एपिसोड को आ रही आवाज नहीं जी जी बिल्कुल आ रही आपकी आवाज दो तीन चीजें हैं इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो मैं मेरे उससे कह रहा हूं और न मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा है और न और कोई लेना देना है बहुत फ्रेंकली अगर इसे पर्टिकुलर एपिसोड की अपन बात कर रहे हैं नंबर एक जो हुआ संसद के बाहर संसद में नहीं था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हिस्सा वो नहीं था नंबर एक नंबर दो जो आपने कहा कि क्या किसी को उसकी छूट नहीं थी ये नंबर दो नंबर तीन ऐसे एपिसोड ये पहली बार नहीं है बाहर इवन अंदर भी हो चुके हैं जिसके वीडियो इसी तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री जी के भी बाहर आए हैं और दूसरे लोगों के भी बाहर आए हैं कि क्या क्या संसद में किस तरह से मजाक किया गया या मिमिक्री की गई वो सारी चीजें देश के सामने पूरा जो टेक्नोलॉजी का ही दौर चल रहा है उसमें वो सब चीजें लेकिन जो संसद में हुआ नहीं नंबर एक संसद के बाहर हुआ एक आदमी किसी चीज को कैप्चर कर रहा है दूसरे लोग उसका वीडियो बना रहे हैं कैप्चर करने वाले का और फिर उस पर हंगामा हो रहा है अब मैं बेसिक जहां अगर आप दो मिनट का टाइम देंगे तो मैं उस बात को करना चाहता हूं कि जी, जी, क्या कि क्या हम इतने सेंसिटिव हो गए क्या हम इतने टची हो गए जानू साहब उपाध्याय जी या कटारा जी ये सब जानते होंगे लंबे सब देखते रहे हैं आप भी देखते रहे हैं हमने पार्लियामेंट को बहुत कम कवर किया जब मैं एक साल दिल्ली था यूएनआई में तब मैंने पार्लियामेंट कवर की लेकिन मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस राजस्थान की विधानसभा का रहा और वो लगभग 40 साल हो गए ये मान लीजिए आप 40 साल मैंने कवर की पिछले कुछ वर्षों को छोड़ के रेगुलर जब एक रिपोर्टर के तौर पे विधानसभा जाते थे और मेरे अंदाज से सारे लोग सहमत होंगे कि भैरव सिंह शेखावत क्या पर्सनैलिटी थे या हरदेव जोशी क्या पर्सनैलिटी थे एक एक आदमी और मतलब सदन में इन चीजों की असल में अगर कोई काम ले तो हास्य और व्यंग ये दोनों ही किसी भी सदन की ताकत होते हैं सदन में बड़े से बड़े गर्म से गर्म माहौल को डिफ्यूज करने में अगर कोई चीज काम आती है तो ये हास्य व्यंग आता है मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ विधानसभा का पुरानी असेंबली की बात है ये भैरव सिंह शेखावत और शिवचरण जी शायद चीफ मिनिस्टर थे उस समय भीलवाड़ा से आने वाले देवेंद्र सिंह जी मंत्री थे और हेल्थ मिनिस्टर थे पुष्पा जी कोई सवाल उठा रही थी और उस दौरान जो एक वाकया हुआ मैं किसके लिए हुआ वो नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बहुत सीनियर मेंबर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके नाम पर रिश्वत ली जा रही है रिश्वत ली जा रही है ये कहने के बाद उन्होंने नाम लिया जिस मेंबर का किसी एक मेंबर का उन्होंने नाम लिया और नाम लेकर के कहा कि उस आदमी ने रिश्वत लिया आपके नाम पे मुख्यमंत्री जी से कहा और फिर ये कहते हुए कि किसी आदमी ने आपके नाम से रिश्वत ली उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को असाइन कर दिया खेत सिंह राठौड़ को सॉरी शायद मुझे नाम नहीं लेने चाहिए किसी के और इसके बाद पूरी बहस हुई और शायद आते भी मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपनी मर्यादा में वो नाम नहीं लेने चाहिए किसी के और इसका लब्बो लुआब लास्ट में ये हुआ कि फिर भैरव सिंह जी ने भी इंटरवीन किया खूब सारी चीजें हुई और अल्टीमेटली नाम लेता हूं मैं दोबारा खेत सिंह राठौड़ खड़े हुए खेत सिंह राठौड़ के बारे में सब जानते होंगे कि वो कैसे मतलब और उन्होंने कहा कि
विपक्ष के नेता महोदय, मेरे को किसी आरोप से कोई तकलीफ नहीं है। मैंने रिश्वत ली, मेरे नाम पे किसी ने रिश्वत ली, जो कुछ भी आप के माननीय सदस्य ने कहा मैं उन सबको स्वीकार कर लेता हूं एक मिनट के लिए, लेकिन मेरे को एक चीज स्वीकार नहीं होगी कि आप जो कह रहे हैं, उन्होंने एक जानवर का नाम लिया कि वो मेरे नाम पर रिश्वत ले जाए, कोई छिपकली मेरे नाम पर रिश्वत ले जाए। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द काम में लेकर के जिस अंदाज में कहा, पूरा हाउस डिफ्यूज हो गया, पूरा तनाव खत्म हो गया। तो मेरा एक लाइन में कहना यह है कि हास्य और व्यंग ये दोनों चीजें किसी भी सदन के किसी भी गर्म से गर्म माहौल को ठंडा करने वाली हैं। और ऐसे पॉलिटिशियंस की अगर रियल सेंस में हम राजनीति में हैं तो हमको कद्र करनी चाहिए, हमको उनकी वैल्यू करनी चाहिए। अफसोस ये है कि आजकल वो न वैसे पॉलिटिशियन है, न मैच्योरिटी है उस तरह की, और न ये गुण उनमें है किसी में। और उसका खामियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि आज हमारे लोकतंत्र में जो हो रहा है, पिछले कितने पार्लियामेंट के सेशन, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमें से किसको याद है कि ये एक सेशन बहुत अच्छे से हुआ। आज हम कितनी भी बात कर लें कि हमारी 74% प्रोडक्टिविटी है या हमारी 80% और 90% प्रोडक्टिविटी है हाउस की, लेकिन कितने दिन काम हुआ, हम इम्पोर्टेंट बिलों को इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन पास कर रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये काम कई कांग्रेस सरकारों के टाइम में भी हुआ, गैर कांग्रेसी सरकारों के टाइम में भी हुआ, बीजेपी सरकारों के टाइम भी हो रहा है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम कितने इम्पोर्टेंट बिलों को बहस करके अगर ये बिल बनते हैं, तभी क्या नतीजा होता है। जीएसटी बिल हमने पास किया और जीएसटी बिल में आज 125 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके, 125 मोर देन 125 अमेंडमेंट। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है नहीं, बहस होती नहीं, हम मिनटों में सेकंडों में बिलों को पास करते हैं और उसके फिर ये नतीजे होते हैं। जी, जब आपने लोकतंत्र के हनन की इतनी सारी बातें हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी इतना जबरदस्त आज विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, तमाम विपक्ष के लोगों को जोड़ा भी जा रहा है, गोविंद चतुर्वेदी जी, शपथ ग्रहण राजस्थान में हुआ भजन लाल सरकार का, और शांति धारीवाल ने जिस तरह की टिप्पणी की, मैच्योर सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक, कितना उचित मानते हैं आप उनकी टिप्पणी को? नहीं, टिप्पणी कोई भी हो, किसी की भी हो, अगर वो संसदीय नहीं है तो अगर हाउस में हो रही है तो स्पीकर के पास राइट है कि उनको वो प्रोसीडिंग से बाहर कर दें। नंबर एक, जो बहुत सी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से बहुत चीजें, मतलब स्पीकर जो है ना, चेयर, अभी कल जब बात हो रही थी, अभी फिर इशू नया और खड़ा हो जाएगा उसमें, पर चेयर के पास इतने राइट हैं। मीना जी, राजीव जी भी जानते होंगे उन चीजों को, इन्होंने भी मेरे साथ असेंबली लंबे टाइम कवर की है राजस्थान वाली। तो पूनम चंद बिश्नोई को हमने देखा, केवल वो बड़ा हंगामा होता था तो उनका बड़े हंगामे में क्या एक्शन होता था, ये पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि चेयर पे कौन बैठा हुआ है। आज हम दिल्ली से जयपुर तक जो चेयर को देख रहे हैं, वो चेयर का मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जिस तरह का हिरास हम लोग देख रहे हैं, पर यूं ये फेस होता था उनका, यूं जाते थे पूनम चंद जी, मतलब हाउस से फेस अपना साइड में कर लेते, पूरा हाउस खड़ा चुप हो जाता, या बहुत ज्यादा हंगामा होने की सूरत में वो सिर्फ खड़े होते। और जो संसदीय शब्दावली है ऐसे मौके के लिए कि आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। अभी तो कल मैं सुन रहा था बहुत से मेंबर्स को, मीना जी, माननीय मीना जी ने जो कहा, माननीय राजीव जी ने जो कहा, सदन में नाम लेते ही नहीं, लेने की परंपरा ही नहीं है। वो जो स्पीकर कह रहे थे कि आप उस किताब को पढ़ लें, मुझे नहीं पता कितने मेंबर उस किताब को पढ़ते हैं, संसदीय विधानसभा की कार्यवाही का जो प्रोसीडिंग्स के लिए बुक होती है। तो कोई भी करे आचरण, अगर किसी का भी गैर संसदीय है तो वो प्रोसीडिंग से भी निकाला जाना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के माहौल ऐसे बनते हैं, अब जो मान लीजिए सदन में हो रहा था पार्लियामेंट में, इतनी 4 तारीख से शायद पार्लियामेंट शुरू हुई, 22 दिन होकर के अल्टीमेटली देश के सामने क्या है, बड़ी समस्याएं जो थी उनमें से कितनों पे हमने चर्चा की। चलिए जी जी, देश की संसद में सांसदों के 142 सांसदों के निलंबन पर आज विपक्ष का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, वो कितना वाकई में जबरदस्त रहा और कितना लोगों का समर्थन मिला, कितना वो उसे एक मूवमेंट बना पाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए एक सवाल है और हम चर्चा भी इसी की कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि संसदीय परंपराओं की बात हो रही है और क्योंकि राजस्थान में अभी अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ,
राजीव जैन जी, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शांति धारीवाल का जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, वरिष्ठ विधायक कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका ही व्यवहार कैसा था? देखिए, व्यवहार तो क्या तात्कालिक टिप्पणी के तौर पे था और वो कहीं सदन की कार्यवाही में अंकित भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो चेयर पे स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने पहले ही रूलिंग दे दी थी कि शपथ के अलावा कोई भी चीज कार्रवाई में नहीं जाएगी। तो एक उन्होंने एक उस तरीके का मुद्दा उठाया कि साहब ये 24 घंटे के नोटिस पे सदन बुला लिया, तो अब उन्होंने उस चीज को उस रूप में कह दिया जो मुख्यमंत्री जी का नाम है कि हम कोई इसमें शामिल इस तरीके से नहीं हुए हैं, कोई किसी मंडली के वो नहीं है, जो आप चाहें जब बुला लो इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो वो तो पहले से ही तय था कि वो अंकित नहीं हो रही है चीज, लेकिन वो विरोध में है, विरोधी पक्ष में है, तो उनको अपना विरोध दर्ज या जिस तरीके से भी कहना हो या जो भी चीज हो तो उस रूप में, लेकिन इसको उचित भी नहीं माना जा सकता कि ये इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, शब्दावलियों का भी उपयोग कहीं ना कहीं ढंग से होना चाहिए। लेकिन जो संसद में भी चीज हुई, मिमिक्री हुई, नकल की, अब एक इसमें कई इशू भी सामने आते हैं कि होनी चाहिए, पहले भी होती रही है, बड़े नेताओं की बाहर होती रही है, लेकिन एक ये संसद परिसर में होना और एक सांसद द्वारा होना, एक कोई कलाकार करे, कई स्टेज पे करे, किसी मिमिक्री करे, ये स्टेज पे हमने पहले देखा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बहुत मिमिक्री होती रही है, बाहर होती रही है, चीजें होती रही है, लेकिन अब जो सत्ता पक्ष ने इशू बनाया उसको ये है कि संसद परिसर में एक सांसद के द्वारा इस तरीके की चीज होना, इसको वो गंभीर मानते हैं। और उसके बाद जो निलंबन की कार्रवाइयां हो रही हैं, अब इसमें सियासी, मैं इसको सियासी तौर भी देखता हूँ, दोनों दल हैं, आने वाले 3 महीने बाद उनको लोकसभा चुनाव में जाना है, तो किस तरीके से अपने अपने मुद्दे उठाए, अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच में किस रूप में ले जाए। चुनावी माहौल में तो एक छोटी सी बात को किसी जाति, समाज, धर्म, इनसे भी जोड़ा जाता है, पार्टियां उन चीजों से भी जोड़ के उनको चुनाव में लड़ती है, तो इस मुद्दे को भी इसी रूप में बना लिया। मिमिक्री हो सकता था कि हंसी मजाक में कोई चल भी जाती है चीजें, लेकिन एक किसी और रूप में, किसी और तरीके के रूप में ले लिया। लेकिन इसके पीछे हम जाए तो सब चीजें क्या है कि राजनीतिक तौर पर ही समझ में आती है कि दोनों पक्षों को, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, अब 3 महीने बाद चुनावी मैदान में उतरना है, तो उससे पहले कौन किस किस तरीके के इशू या किस तरीके के मुद्दे जिससे जनता के वोट लिए जा सके उनको लेके एक मुद्दा बना लिया जाता है, फिर उसको उसके जाति, वर्ग, समाज या किसी से भी जोड़ के उन चीजों को, अब ये तो है नहीं किसी जाति समाज ने किसी एक नेता को अपनी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी हो कि साहब आप हमारे ये हैं, लेकिन वो अलग चीज है, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन या विपक्ष जो कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जनता के बीच इस मुद्दे को ले जा रहा है कि हमारे इतने सांसदों का निलंबन हो गया, जो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये लोकतंत्र की हत्या है, वो उस रूप में अब ये जो फैसला बनता वो करना। सवाल ये भी है, विपक्ष का ये जो कंसर्न है, ये चिंता है, ये कितनी उचित है? श्याम सुंदर शर्मा जी, 142 सांसदों का निलंबन अपने आप में ऐतिहासिक है, इतना बड़ा बवाल इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं हुआ। तो विपक्ष का जो इस तरह से विपक्ष को नहीं सुनने की जो प्रवृत्ति है सरकार की, और उसमें भी चेयर पर बैठे हुए लोगों का जो व्यवहार है, उसको कहीं ना कहीं सरकार की उसमें देखा जा रहा है, शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के व्यवहार को। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, ये कितना उचित है सरकार का इतना सख्ती वाला रवैया सांसदों के लिए? मीना जी, उनको अपना काम निकालना था, उनको क्या मतलब है बाकी चीजों से? आपने देखा नहीं कितने विधेयक पारित करा दिए? ये लोकतंत्र में आप जो तरीका निकाला है ये ठीक नहीं। वो आप देखिए जो विधेयक पारित करे हैं, अब वो सामने आ रही है चीजें, तो उनका अपना काम था, क्योंकि अब ये सत्र ऐसा था कि अगर सांसदों को रख करके चर्चा भी करा लेते तो रिकॉर्ड में आ जाती सारी बातें, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं आया और सब कुछ काम हो गया उनको जो कराना था। ये दिखेगा कांग्रेस और बाकी के लोग भी वो ये नहीं सोच पा रहे थे ये सब कुछ कराएंगे। अब दिखेगा कि अगर आपको इतने बड़े तादाद में अगर सांसदों का निलंबन हो रहा है, और आज जिस प्रकार का देश में प्रदर्शन हुआ,
क्या प्रदर्शन इस लायक था क्या? मैं तो जयपुर में देख रहा था, इस प्रदर्शन में यदि सारे विपक्षी दल शामिल हो गए हो और कितना बड़ा प्रदर्शन था, तो कटारे जी आप शामिल हुए होंगे, आपने देखा होगा ये लोकतंत्र बचाने का जो अब इंडिया गठबंधन का पहला प्रदर्शन था। अब देखिएगा, आप लोकतंत्र में आपकी संख्या की दृष्टि से आप कम हो तो देश में शोर शराबा होना चाहिए, आपको मालूम करना, देश के लोगों को बताने के लिए आपको आगे सड़कों पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपना काम निकालने के लिए तैयार है, वो तो कहती है कि हमें चुनाव में जाना है, हमें इससे फायदा होगा, अब आप अपने लोकतंत्र को निमटाते रहो। फिर कांग्रेस या बाकी के लोग जो गठबंधन में है वो कह रहे हैं हमको निलंबित कर दिया, निलंबित कर दिया, वो निलंबित के कारण क्या रहे क्या नहीं रहे उसको समझा पाने में लोगों तक आप क्यों नहीं जा पा रहे हो, आप देर कर दी, देखिए संसद तो स्थगित हो गई, अब आपका प्रदर्शन करने का क्या है औचित्य, कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, संसद चलती रहती तो आपको, और आप बैठ करके जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, ये देश में प्रदर्शन चला जाना चाहिए था, नहीं जा पाया क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की जरूरत होती है, जो लोग आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे, यही कारण है कि आप मजबूती के साथ अपनी चीजों को रख नहीं पा रहे हो। अब देखिएगा, जो आप बार बार कह रहे कि क्या अर्थ रह जाता है, अब देखिएगा जिसके पास संख्या है उसके पास सब कुछ है, अब संख्या नहीं है तो फिर आप कुछ भी करो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये लोकतंत्र मजबूत जब ही होता है जब आपके साथ लोग साथ रहते हैं, लोग नहीं रहते तो आपका लोकतंत्र कहाँ है, आपके लोकतंत्र तो वही है जब लोग आपके साथ हो। तो देखिए संसद में जो कुछ देखने, अब मैं तो देख रहा था जगदीप धनखड़ जी को, मैंने और गोविंद जी ने देखा है पुरानी विधानसभा में, इनको और दो जनों को निलंबित किया था, कैसे आंसू से रोए थे और क्या कह रहे थे कि मुझे ठाकुर साहब ने क्या आरोप लगा दिए, अब जाकर के उसी सीट पे वो बैठे, हमारे भी मित्र है, गोविंद जी के भी मित्र, राजीव जी के भी मित्र, राजीव जी तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होने के बाद मिले भी हैं, हम तो नहीं मिले, लेकिन ये बात है कि जिस लोकतंत्र की बात वहां बैठ करके कर रहे हैं वो लोकतंत्र को यहाँ क्या कह के गए थे, क्या हुआ था, क्यों इनको निलंबित करने की बात हुई थी, दो विधायक थे दोनों को निलंबित किया था गोविंद जी को, पता है कैसे रोए थे, क्या हुआ था, आज वहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कह रहे हो कि मेरी जाति, मेरे भाई उपराष्ट्रपति होके कोई जाति नहीं होती, क्योंकि आप तो संविधान के। एक सवाल इसमें और भी है श्याम सुंदर शर्मा जी, कि मान लेते हैं संसद परिसर के भीतर नहीं हुआ जैसा गोविंद जी ने कहा और पूरे देश ने देखा, संसद भवन के मतलब सदन के अंदर नहीं हुआ, सदन में नहीं हुआ, प्रेमिजेस में हुआ संसद के, लेकिन भीतर भवन में फ्लोर पर नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। दूसरी, अगर 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 कोई सांसद भी लाइटर मोड में किसी भी व्यक्ति की, अगर वो उपराष्ट्रपति है उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उसमें उपराष्ट्रपति को ऐसा रिएक्शन देने की भी जरूरत थी क्या? सवाल ये भी उठता है कृष्ण कुमार जानू जी कि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और सम्मान, अगर वो चुप रहते इस विषय पर, कुछ नहीं बोलते, रिएक्ट नहीं करते, उसमें ज्यादा नहीं होती? मीना जी, मैं इतना ही एक बात जानू साहब के बीच में पहले बोलना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, ये जो संवैधानिक पद हैं उनसे इस तरह की नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, लेकिन ये इतने बड़े इशू नहीं है कि उनपे इतना टची हम हो जाए, ये मेरा साथ में जोड़ है जानू साहब। जी जी, सेम सेम सेम। एक और चीज जोड़ दूं कि जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब हमारे प्रदेश के ही हैं, वो बड़े हल्के पुल के अंदाज में कई चीजों को मजाकिया तौर पर ले जाते हैं, मेरे ख्याल से मतलब उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक दल की तरीके वो रही होगी इसको इशू बनाने की। तो धनखड़ साहब को तो जितना गोविंद जी या श्याम जी और मैं भी जानते हैं, वो मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना गजब का है कि वो इन चीजों को मतलब बड़े हंसी मजाक में भी उठाते हैं। लेकिन लेकिन राजीव जी उपराष्ट्रपति ऐसे कौन बन गए, उपराष्ट्रपति बनने का कारण क्या रहा, ये भी तो आप देखो ना, अब राष्ट्रपति बनने की जो ख्वाहिश है वो सब कुछ है अभी तो, वो उनका रिएक्शन है राजीव जैन जी, उनका जो रिएक्शन है वो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उनका रिएक्शन तो ये छवि दे रहा है कि वो कितना जबरदस्त दबाव में काम कर रहे हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, जिस चेयर पर वो हैं, और इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह का जेस्चर दिया जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, तब भी उनका जो व्यवहार था, उनकी जो कार्यशैली थी, एक राज्यपाल के पद और गरिमा के अनुकूल नहीं थी, इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। अब उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर भी, जी राजीव जी, वो मतलब जवाब में है या नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन जो उनका आधिकारिक तौर पर कहना है उपराष्ट्रपति जी का कि वो इस चीज से आहत है, अब आहत होने के बाद मतलब उन्होंने पीड़ा जाहिर की, तो दूसरे पक्ष ने उस चीज को
एक इशू बना लिया। उपराष्ट्रपति का तो इतना कहना था कि मैं इस घटना से या इस तरीके की चीज से मैं आहत हूँ। लेकिन उससे पहले भी एक वाक्य और हुआ था 2-3 दिन पहले, वो झुक के प्रणाम करने वाला जो एक उनकी आदत में भी है, उसको भी संसद में कुछ सांसदों ने कुछ दूसरे रूप में कहा था, लेकिन वो जितना हम लोग जानते हैं धनखड़ जी को, वो उस चीज को मजाकिया रूप में ही ले गए कि अब मेरे को ये भी सीखना पड़ेगा मैं कितना झुकूं, वो उनकी आदत में है। राजीव जैन जी, एक बार फिर से सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष ने या कुछ लोगों ने उनके उस व्यवहार पर या कुछ मीडिया में या कुछ सोशल मीडिया में उसको लेकर भी तमाम तरह की जो मीम बने, उसमें भी क्या चेयर पर बैठकर उनको इस तरह की टिप्पणी और रिएक्शन देना जरूरी था? क्या वो इससे बचते तो ज्यादा बेहतर जेस्चर नहीं होता? राजीव जी, धनखड़ साहब एक बड़े हाजिर जवाबी भी है, तो किसी चीज को उनका मतलब इस तरीके से जो रिएक्शन या जो वायरल चीजें हुई उसको लेके उनकी अपनी वो एक चीज थी, कहने का तरीका था, और उन्होंने उसको उस दिन से भी लिया। उन्होंने कहीं भी उस चीज के लिए ये मतलब जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इससे कहीं आहत हूँ या परेशान हूँ या मैं अपनी इंसल्ट फील कर रहा हूँ। लेकिन मिमिक्री वाली घटना से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से जो शो किया कि भाई इससे मेरी इंसल्ट हुई है, आहत होने से उनका ये राधेश्याम उपाध्याय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, शुक्रिया। मीना जी, मीना जी मैंने नंबर जानू जी का ले लिया, पहले उनको देना चाहिए आपको। जी जी जी, मैं आ रही हूँ जानू जी आपके पास आ रही हूँ, बस राधेश्याम जी से एक टिप्पणी। राधेश्याम जी, राजीव जैन जी का, गोविंद चतुर्वेदी जी का, श्याम सुंदर शर्मा जी का, राजस्थान के जगदीप धनखड़ के प्रति एक आत्मिक लगाव और झुकाव भी हो सकता है जो अपने व्यक्ति के प्रति होता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन लेकिन अगर वो चेयर पर बैठकर ये कहते हैं कि अब मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मुझे कितना झुकना है, ये जो उनका रिएक्शन है वो भी सदन के भीतर हाउस में चेयर पर बैठकर कहना उपराष्ट्रपति के द्वारा, अगर किसी ने कह भी दिया है उनके लिए, अगर वो उसे इग्नोर करते, उस पर टिप्पणी नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, तो जिन लोगों ने उनका मजाक बनाया, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए ज्यादा ये ह्यूमिलिएटिंग नहीं होता? उनके लिए ज्यादा अपने आप से बात करने का विषय नहीं होता? राधेश्याम जी, जी मीना जी, देखिए कि मैं अगर बात करूं कि किस प्रकार का ये सदन में हंगामा चल रहा है, मैं लगातार सुन रहा था। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं श्याम जी भाई साहब और गोविंद जी, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकतंत्र और संविधान के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती। जिस प्रकार से सांसदों का निलंबन हो रहा है और वहां लगातार विधेयक पर विधेयक पारित हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में इस बात का भय है कि या तो वो गलत काम कर रहे हैं और विपक्ष उसका विरोध करेगा और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब बताइए, एक मिमिक्री को लेकर इतना बड़ा बवाल मच चुका था। मैं देख रहा था अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, और देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं एक जाट हूं, मैं एक किसान हूं, आपने अपमान किया है। तो जिस प्रकार से श्याम जी भाई साहब ने कहा कि यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति है, तो वो शायद उस समय भूल जाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, भटका रही है। आज सदन के अंदर जो स्वस्थ और स्वच्छ चर्चाएं होनी थी, उनसे सत्ता पक्ष दूर भाग रहा है। मैंने देखा कि जो किसानों की बात करनी थी, अगर हमारे उपराष्ट्रपति जो किसान की बात कह रहे थे, उस जाटों की बात कह रहे थे, तो एक जो खिलाड़ी है उसके साथ भी कितना अपमान हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोले वो। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही, इस देश के अंदर शिक्षा पे बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही, और अगर हम बात कहें कि राजस्थान में जो चल रहा है उस पर भी बहुत। आप जो आरोप लगा रहे हैं राधेश्याम जी, इसीलिए तो विपक्ष और इंडिया अलायंस ने पूरा ये विरोध प्रदर्शन जो किया है। आज कैसा रहा विरोध प्रदर्शन, आपकी पार्टी का कितना इसमें कैसा सहयोग रहा? हमारी पार्टी देखिए इंडिया गठबंधन के साथ है, शामिल ही नहीं हुआ मीना जी, ये तो शामिल ही नहीं हुआ। इसीलिए पूछ रही हूँ ना राधेश्याम जी को।
नहीं, हम साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ है, और जो भी इस हिटलर साइड की है इसके खिलाफ रहेंगे, आम आदमी पार्टी पूरी इसके साथ रहेगी, इसमें क्या है जी, साथ रहेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी, सवाल ये है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सदन के भीतर और सदन के बाहर सवाल उठाए। सदन के भीतर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हो रहा है। सड़क पर इसका जवाब वो जनता के बीच लेकर जाएंगे, जनता कितना साथ देगी नहीं देगी अलग मुद्दा है, लेकिन सदन के भीतर विपक्ष की आवाज दबाने की ये कोशिश, आपको नहीं लगता कृष्ण कुमार जानू जी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है आपकी सरकार? मीना जी, अपराध एक आदमी करे चाहे 100 आदमी करे, सजा सबको मिलनी चाहिए। अगर तो जगदीप धनखड़ जी ने और ओम बिड़ला जी ने जिनको सदन से निलंबित किया है, क्या उन्होंने कानून नहीं तोड़ा? अगर तोड़ा है तो उन्हें केवल इसलिए छूट होनी चाहिए कि वो विपक्ष के, अगर उन्होंने अपराध किया है और कानून तोड़ने की सजा में उन्हें निलंबन किया गया है तो माफी क्यों नहीं मांग लेते? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेताओं को संवाद के लिए बुलाते हैं तो मना कर देते हैं, फिर विकल्प क्या बच जाता है? कैसे चलेगा सदन, कैसे चलेगा लोकतंत्र? केवल इसलिए कि विपक्ष के 100 से अधिक निलंबन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता मीना जी। और विपक्ष को नहीं सोचना चाहिए, सदन चल रहा है, कानून आएंगे, चर्चाएं होंगी, इस प्रकार का प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन करना कितना उचित था? विषय आ रहे हैं, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, जगदीप जी के मित्र लोग जो है पत्रकार सीनियर है उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बात बात पर ओवैसी, बात बात पर फारूक अब्दुल्ला अल्पसंख्यक होने की दुहाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा है वो जगदीप जी ने भी ली होगी कि ओम जी बिड़ला ने वही काम किया उनके लिए सब चुप रहे, और जगदीप जी ने वही काम किया उनकी मिमिक्री बनी तो उन्होंने वो सहारा लिया, तो क्या अपराध किया? भेदभाव तो हुआ है ना विपक्ष द्वारा दोनों के साथ। जी गोविंद जी, नहीं मैं जानू साहब जो कह रहे थे उस पर कह रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन घूम फिर के फिर वही आएगा कि हम संसद के लिए, देश के लिए, देश के मुद्दों के लिए हम कितने कमिटेड होके काम करना चाहते हैं। जो मैंने पहले राउंड में भी कहा था मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आज मुझे नहीं लगता कि उसके लिए न देश के लिए न देश की जनता के लिए हम कहीं कोई नहीं हो रहे। हम सारी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी कल कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ, 2 साल में 24 जवान हमारे वहां मर चुके, कश्मीर में बहुत कंट्रोल हो गया सब चीजें, लेकिन 24 जवान वहां मरे। महंगाई की बात बराबर हो रही है, ये अभी उपाध्याय जी कह रहे थे वो सही था कि किसानों के, जानू साहब तो उसमें खुद किसान मुझे लगते हैं कि खुद किसान होंगे जानू साहब, तो वो किसानों की पीड़ा जानते होंगे, ठीक है उनको यहाँ बैठ करके जो बोलना है उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उनको और ज्यादा मजबूती से अपनी पार्टी की पैरवी करनी चाहिए सब लोगों की, लेकिन हम किसान की बात कर रहे हैं, मैं उसको जाट और राजपूत और उसमें नहीं बांधता हूँ, लेकिन किसान की हम बात कर रहे हैं, हमारे महिला रेस्लर्स की बात हो रही है, एक महिला रेस्लर हमारी देश के सामने खड़ी होकर ये कहे कि मैं अपने ये जूते यहाँ रख रही हूँ और अब मैं कुश्ती नहीं करूंगी, किसी एक आदमी, कोई आदमी इतना बड़ा होता है क्या उसके नाम पे उन बहस में जाने से? लेकिन देश के सामने आज की तारीख में इतने इशू हैं, और जानू साहब एक ध्यान दिला रहे थे प्ले कार्ड का, इस असेंबली के रिकॉर्ड में जानू साहब मेरे सारे पुराने साथी सब जानते होंगे उन चीजों को, एक लड़की से रेप हुआ शिवचरण माथुरवाद चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, उस लड़की का नाम था इंदिरा, और वो पहला एपिसोड हमने देखा जिसमें वो एक पूरी पट्टी अपने ऊपर लगा के देवी सिंह भाटी गए और उन्होंने क्या लिखा था उस पर, ये हाइट बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसके बाद जो हुआ और हाउस फिर थोड़ा बहुत आपत्ति जो भी हंगामा होना था वो हुआ, लेकिन उन्होंने उस पर लिखा था कि मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार, ये लिखा हुआ था उस पर देवी सिंह भाटी जो हाउस में लेके गए राजस्थान विधानसभा में, और उसके बाद फिर जो भी एक्शन हुए नहीं हुए सारी चीजें हुई, लेकिन बता मैं रहा हूं कि ये सब चीजें, पर इसको एक माइंड सेट से अलग होकर के अगर कोई भी सरकार, सत्ताधारी दल, मैं किसी एक सत्ताधारी दल में नहीं बांध रहा हूं, आज अगर बीजेपी वहां है तो बीजेपी का नाम आएगा, कल अगर कांग्रेस होगी तो कांग्रेस का नाम आएगा, तीसरी पार्टी होगी तीसरी का आएगा, जो भी होगी,
लेकिन सवाल यह है कि सत्ताधारी दल का जिम्मा इन सदनों में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनमें ज्यादा होता है। आज वो जिम्मा कम होता लग रहा है, ये सारे एपिसोड से नजर आ रहा है। तो इसमें जिम्मेदारी उनको ज्यादा रखनी चाहिए। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें हास्य का, व्यंग का, इन सब चीजों के बहुत बड़े रोल होते हैं, हमको उन चीजों को समझना चाहिए। जी राजेश कटारा जी, सवाल ये है कि आपने, अब चुनाव लोकसभा का बहुत नजदीक है, इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन एक विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। हालांकि यहाँ पर जानू जी कह रहे हैं कि अपराधी तो अपराधी है, वो एक है, सौ है, सभी को खत्म करना है, अपराध को पूरी तरह से खत्म करना है। अब अपराध सांसद करता है, अपराध की सीमा क्या है, उसकी गुणात्मकता क्या है, या जो भी बात ये है कि आपने जो मूवमेंट आज खड़ा करने की कोशिश की है, जनता को साथ लेने का जो प्रयास किया है, विपक्ष इसे सस्टेन कर पाएगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी इस मुद्दे पर? देखिए मीना जी, इनकी मेन सोच रही है, सबसे ज्यादा सोच इनकी ये है कि विपक्ष खत्म ही हो जाना चाहिए। विपक्ष अगर नहीं होगा तो हम आराम से अपनी मनमर्जी करेंगे। ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए। इतने सांसदों को एक साथ निलंबन कर दिया इन्होंने, इससे पहले लोकसभा में मैत्री करी, इतने बड़े आदमी ने देश शर्म से झुक गया राहुल गांधी जी के खिलाफ, किसने मैत्री करी आप बताइए। आप किस तरह से ऐसे 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 कर करके क्या किया आप बताइए। पूरे देश को जवाब देना मुश्किल हो गया, कोई आदमी विदेश गया वो जवाब नहीं दे पाया, क्या निलंबन हुआ? भारत की प्रथम लोकसभा जो अभी इन्होंने अभी बनाई है, अभी लोकसभा में पहला ही भाषण हुआ, उसमें एक सांसद ने एक सांसद के खिलाफ क्या टिप्पणी करी, किस तरह से बोले, क्या उसकी जांच हुई, क्या उनको तुरंत निलंबन किया, बल्कि उनको एक इनाम दिया गया, वो राजस्थान में एक विधानसभा के प्रभारी बनाकर उनको भेजा, क्या उस पर कुछ नहीं साक्षी में लिखते वो केस जाती रहेगी। आज ये कोई अपराध करें और उस अपराध लेकर के आप खुद देखिए, उस मांग को लेकर के उनको निलंबित कर दिया जाता है। कहां विपक्ष मांग उठाएगा आप बताइए? ये तानाशाही नहीं, हिटलर शाही नहीं, क्या है आप खुद बताइए, किस तरफ जा रहा है ये देश? तानाशाही विपक्ष मांग रहा है, इसलिए तो विपक्ष खड़ा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, आंदोलन कर रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष नहीं, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, उन्हें विपक्ष खत्म हो जाएगा। शुरू से कहते आए कि कुछ दिन बाद में चाहेंगे नहीं कि चुनाव हो, ये चुनाव कराना नहीं चाहते। इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका, मीना जी चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह से ये कर रहे हैं ना, तो इन्होंने कहीं, आप बताइए, एक बीजेपी के सांसद के हस्ताक्षर से अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं, असामान्य तत्व घुस जाते हैं, वो कैसे घुस गए आप बताइए जी? फिर उसको हम जवाब मांगते हैं, एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्या वो संवैधानिक नहीं है? 18 लाख वोटरों से चुनके एक सांसद आता है, क्या वो संवैधानिक पद नहीं है? बिल्कुल आप बताइए, क्या वो जवाब नहीं मांगिए? कैसे घुस गया वो आदमी? इस पर जांच चलती रहेगी उस चीज पे भी। आज देश में क्या हो रहा है, क्या हालात है देश में, आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मीना जी, सतपाल मलिक जी थे संवैधानिक पद पे थे, उन्होंने सच बोला तो उनका क्या हासिल किया इन्होंने, आप बताइए? वो संवैधानिक पद पे नहीं थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जात का अपमान किया जा रहा है, वो भी थे, वो थे, आप बताइए, वो भी तो राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी। जी जी मैं आ रही हूँ, राजेश कटारा जी अपनी बात खत्म कर ले। मैंने जी सतपाल मलिक जी भी एक संवैधानिक पद पे थे, राज्यपाल थे, उन्होंने कुछ बोला तो आज उनको एक साइड में कर दिया गया। क्या इस देश में सच्चाई बोलना गलत है? इस देश में कोई भी सच्चाई बोलेगा आज बीजेपी के शासन में उसको उभार कर दिया जाएगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। राजस्थान की भी दो घटना ऐसी है, कैलाश मेघवाल जी ने जरा सी सच्चाई बोली, उनके एक मंत्री के खिलाफ कहा तो भ्रष्टाचार की जननी है, उनका टिकट काट दिया गया। सूर्यकांत व्यास जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की जरा सी बड़ाई कर दी, उनका टिकट काट दिया गया, वो बेचारी सदमे में आ गई और सदमे में उनका देहांत भी हो गया। आप देखिए उसी चुनाव के बीच में इस तरह की बात करते हैं, आप बताइए। जिंदा है, जिंदा कटारे जी, देहांत का होगा, देहांत। राजेश जी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी लेकिन अभी वो ठीक है, अब ठीक है। संगीता परिक्रमा, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ उसकी, पर वो उसमें बीच में भी आया था, पर आप बताइए उनका, उन तक का टिकट तक काट दिया गया, आप बताइए उनका भी जरा सा बोलने से कि ये क्या है? आज क्या कोई किसी की बड़ाई नहीं कर सकता? आज कोई किसी के अच्छे काम की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता? आप बताइए,
कटारा जी आज वाले आपने प्रदर्शन किया उसकी बात करो, कितने प्रदर्शन में लोग थे ये तो बताओ, लोकतंत्र आपके साथ है नहीं ये बताओ आप। देखिए कांग्रेस का, देखिए भाई साहब कांग्रेस का काम है प्रदर्शन करना। और कितनी ताकत देखी आपने विपक्ष की जोधपुर में, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो संसद पे जो चूक वो ये गंभीर मामला है और उस पर आवाज उठाना, यानी उसका उसको लेकर यदि सांसदों ने ये मांग रखी कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो सांसदों का निलंबन इतनी बड़ी तादाद में हुआ, शायद पूरे इतिहास में ही ये पहली बार इतना हुआ। वो बड़ी तादाद में जो सांसदों का निलंबन हुआ है, बिल्कुल ही मैं मानती हूँ एक तरह से बिल्कुल तानाशाही हुई है। और रही बात जैसा कि आपने कहा कि जोधपुर में कैसा विरोध प्रदर्शन देखा, यानी ठीक ठाक था, कोई ज्यादा बड़ा यानी आम लोगों का नहीं थी, कांग्रेसियों ने मिलकर जो विरोध प्रदर्शन किया ठीक हुआ, मगर बात वही है कि इस तरह से आवाज दबाने के लिए एकदम से सांसदों को जो निलंबन किया गया है वो तो बिल्कुल किसी तरह से बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ध्यान है कि सुषमा स्वराज जी जिस तरह से संसद में विरोध प्रदर्शन करती थी, और या जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता करते थे, तो थोड़ा कभी उनको भी निलंबित किया होगा एक दो दिन के लिए, मगर इस तरह से बिल्कुल बड़ी तादाद में बड़े लोगों बड़ी संख्या में बाहर करना और फिर उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से बिना चर्चा विधेयक पारित हो गए, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और इसमें कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, जैसे जयपुर में भी किया, जोधपुर में किया, जैसलमेर या पूरा मारवाड़ में कई जगह प्रदर्शन हुए, मगर उससे बड़े जो होना चाहिए आम लोग इससे नहीं जुड़े हैं, मगर ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना बड़ा ये मुद्दा है उतनी बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में सड़कों पर नहीं नजर आए, सदन के भीतर वैसे संख्या कम है, तो सदन के भीतर एक तो संख्या बल कम है और दूसरा जितनी संख्या है उनका उनके साथ जिस तरह का रवैया है। श्याम सुंदर शर्मा जी क्या वजह मानते हैं ये बड़ा विरोधाभास क्यों है कि जनता को कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले नहीं पा रही है? अब देखिए लोग नहीं आ रहे तो कांग्रेस की नीति और वो सब चीजें हैं कि क्योंकि आप विपक्ष को साथ, ये कोई केवल कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था, ये तो इंडिया गठबंधन का पहला था, क्योंकि इनको पता था कि पार्लियामेंट चलेगी लंबी, लेकिन पार्लियामेंट बीच में खत्म हो गई, इस प्रदर्शन का महत्व तो फिर खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि जब आपका जिनका निलंबन किया जाना है वो स्थगित ही हुई लोकसभा भी, तो फिर निलंबन का जैसे जानू जी बार बार कह रहे थे, लेकिन जानू जी बहुत सारी चीजें होती है जो अंदर से आपको भी दिखाई देती, जब आपके दो सांसद हुआ करते थे तो अगर उनका निलंबन हो गया होता तो फिर क्या होता, वो भी रहते थे ना सांसद, अब आपने वो जमाना भी देखा, आज आपके 325 है वो बात अलग है, लेकिन जो जमाना था पुराना उन लोगों से पूछो सही किस तरह से लोकतंत्र को जीवित रखने का काम करते थे। मैं जब बताया धनखड़ साहब क्यों, अपने भैरू सिंह जी शेखावत भी उपराष्ट्रपति थे, वो सदन चलाते थे ना, वो भी तो आपने देखा था, उनका और इनका सदन चलाने में क्या अंतर है? आप प्रतिपक्ष से बातचीत नहीं करो, और आप तो सारी पार्टियों में रहे हो, आपके उपराष्ट्रपति जी केवल आप ही की पार्टी के नहीं रहे, वो सभी पार्टियों में रह करके वहां तक पहुंचे, अब तो किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सदन को चलाना होता है, हमारा भाग्य ये है कि हम दोनों सदन को चला रहे हैं, राजस्थान आजकल दोनों सदन चला रहा है, और जो दोषारोपण भी हो रहा है तो हमारे लोगों के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जो हमारी विधानसभा के सदस्य दोनों रहे हैं, आज दोनों सदनों को चला रहे हैं, अब किसके इशारे पर क्या चल रहा है वो तो जानू जी आपको भी पता है, क्योंकि जब हमने देखा कि 18 विधेयक पारित होकर के सामने आ रहे हैं और उसका खुलासा हो रहा है, कौन कौन से विधेयक पारित हुए, आपको सीजीए को नहीं रखना तो नहीं रखना है, क्योंकि विपक्ष रहेगा तो बातें आएगी, रिकॉर्ड में बातें आएगी, ये सब चीजें आप लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ठीक मानते हो क्या? आप करोगे उन्होंने गलतियां की, भाई चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति का दायित्व तो क्या होता है, इस गलतियों को किस प्रकार से निभाए, आप इतनी बड़ी तादाद में निलंबित को निलंबित करते रहो और फिर कहो बातचीत करने के लिए आ जाओ, माफी मांगो, ये क्या तरीका है? लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र का सही मायना है क्या?
अगर खड़गे साहब कोई चीज कहना चाह रहे तो आप कहने नहीं दो। उधर वो देखिएगा अभिरंजन खंजन रंजन जो अधीर रंजन कुछ चीजें कहना चाहे आप कहना नहीं चाहो उनको निलंबित कर दो। कभी प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के लोगों को इस तरह से निलंबित किया क्या? राजस्थान विधानसभा आपने देखी किस तरह से निलंबन होता है, किस तरह से आपस में तालमेल हो जाता है। ये तालमेल की कमी, उनको पता था कि भाई ये इतने कानून है अगर पारित नहीं करेंगे तो हमारी आने वाले टाइम में हमको उसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने की बात हुई थी ना, अब इसलिए कानून ला करके पारित कर लिया आपने कि आप अपने तरीके से निर्णय कर सको। जानू जी बहुत सारी चीजें राजनीति के अंदर छिपी हुई है क्योंकि आप उसको बोल नहीं पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जानकारी कृष्ण कुमार जानू जी नहीं बोल पाएंगे, उनका कहीं ना कहीं सीमाओं में वो बंधे हुए हैं। लेकिन राजीव जैन जी, लोकतंत्र की जब भी बात होगी, मोदी सरकार की जब भी चर्चा होगी, देश और दुनिया में छवि क्या जा रही है इस वक्त हमारी, इस तरह की संसदीय प्रक्रिया और इस तरह की निलंबन की जो एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, पूरे देश और दुनिया में संदेश क्या जा रहा है? देखिए लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती हैं, मेरा तो ये मानना है। और जो निलंबन किया वो ना कोई सभापति ने या लोकसभा अध्यक्ष ने किया, वो सत्ताधारी दल के प्रस्ताव पर निलंबन हुआ हो तो पे वो उससे बंधा रहता है कि वो सदन में जिस तरीके का प्रस्ताव आया उसको पारित करना पड़ता है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव आया हुआ, वो पारित हुआ। अब वो चीजें ठीक है कि जो चेयर पे बैठा है वो सदस्यों के व्यवहार को शोभनीय अशोभनीय किस तरीके से लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब भाजपा वालों से पूछे तो दुनिया में क्या छवि जाएगी। अब मीना जी मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो बड़ी एक मजबूत सरकार है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है और ऐसी पार्टी की सरकार है जिसकी हार्ड कोर आइडियोलॉजी के लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हार्ड कोर आइडियोलॉजी चाहे वो वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी लोग हों, तो उनका रवैया कहीं ना कहीं चीजों पर सख्ती वाला रहता है। और दूसरे पक्ष को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं तानाशाही या अधिनायकवादी तौर तरीके अपना रहे हैं। लेकिन ये हार्ड कोर आइडियोलॉजी की जो लीडरशिप है उसका है, क्योंकि अब भाजपा की आइडियोलॉजी को हम देखें तो उसकी पूर्ति पिछले आजादी के बाद के शासन में भाजपा पहले भी रही है शासन में, तो वो उन कोर इशू को नहीं कर पाई। जिन कोर इशू को भाजपा जनसंघ के जमाने से उठाती आई है उन कोर इशू को सॉल्व इस सरकार ने किया। तो वो अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी जो उसके विचार के लोग हैं उनमें बड़ी पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं जैसा धारा 370 को खत्म करना, राम मंदिर का बनाना, तीन तलाक को खत्म करना, ये जनसंघ के जमाने के कोर इशू है भाजपा के। इन चीजों का समाधान इस सरकार ने किया। तो इस पार्टी के चार के लोग हैं जो हार्ड कोर आइडियोलॉजी को मानते हैं वो इस चीज को पसंद करते हैं, वो अपने नेता को मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता भी साबित करते हैं। और चाहे ये दक्षिणपंथी लोग हैं चाहे वामपंथी यदि इस तरीके से होते तो कम्युनिस्ट लोग भी यही तरीका अपनाते, उन्हीं को आज दूसरे उनके विरोधी लोग उनको भी तानाशाही वाला गवैया वाला कहते हैं। तो जो इस तरीके के लीडरशिप होती है वो एक वर्ग में तो बहुत अति लोकप्रिय उस श्रेणी में आ जाती है जी, दूसरी तरफ जो उसके विरोधी होते हैं वो तानाशाही का भी दर्जा दे देते हैं कि ऐसा तानाशाही वाला रवैया अपना रहे हैं। तो ये अपनी अपनी विचारधाराओं वाली बात है। जानू जी अभी जो कह रहे थे वो अपनी पार्टी की विचारधारा, राजीव जी पार्टी की विचारधारा, देश के प्रति सोच और आपकी पार्टी का भविष्य या पार्टी की विस्तार, पार्टी की रफ्तार, ये एक अलग मुद्दा है और देश के संसद में आपका व्यवहार पूरी तरह से अलग मुद्दा है। आज देश की संसद में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जी बोलिए प्लीज बोलिए। वो जो उनका व्यवहार है वो जैसा भार या सरकार में दिखता है वो संसद सदन में भी दिखेगा, कि वो परिलक्षित होता है कि वो विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। तो विचारधारा के आधार पर वो अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं या अपने जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं चाहे धर्म की हो, समाज की हो, जाति की हो, उसको सिरमौर बनाने के लिए वो इस तरीके की चीजें अपनाते हैं। अभी राजस्थान विधानसभा का भी हम चुनाव देख लें, उन्होंने हार्ड कोर आइडियोलॉजी को अपनाया और उसी के तहत उन्होंने ना एक भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया, चार साधु महात्माओं को टिकट दिया। तो ये सब चीजें सदन में भी दिखेंगी,
जब वो जीत कर आएंगे, विचारधारा के लोग जीत कर आएंगे, उस हार्डकोर आइडियोलॉजी से जीत कर आएंगे, तो वो हर जगह परिलक्षित होगी। जी मीना, निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी में आपका जो जो भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है वो आपके हर आचार व्यवहार में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, दफ्तर में हो, घर में हो। ये बात आपकी समझ में आती है राजीव जी, लेकिन देश की संसद में गोविंद चतुर्वेदी जी, विपक्ष जिस तानाशाही की बात कर रहा है, आगे के लिए, भविष्य के लिए, इतिहास को देखें हम, इससे पहले चाहे बीजेपी दो रही या उसके बाद सरकार बनाई, उसके बाद बड़ी संख्या में आए, आगे की सरकारों के लिए ये जो इस वक्त जिस कार्यशैली पर भारत की संसद चल रही है, आने वाली लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए ये एक नई परंपरा, परंपरा शायद इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, एक नई कार्यशैली की शुरुआत हो रही है। हिना जी, जब बहुत साफ अगर मैं कहूं तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो देश की दृष्टि से, देश के संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से मतलब अनफॉर्चुनेट है, बहुत साफ कहेंगे। क्योंकि ये जो आपने, हम शब्द पे किसी पर भी चले जाएं, परंपरा पे चले जाएं, कार्यशैली पर चले जाएं, लेकिन ये सब चीज़ें होना, जो राजीव जी कह रहे थे, जो श्याम जी ने भी बीच में कहा, तो अलग अलग करके ये सब चीज़ें अल्टीमेटली इस डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। नुकसान कैसे पहुंचाएंगी कि आज एक पार्टी ऐसा कर रही है, सत्ता किसी की नहीं होती, सत्ता किसी की स्थायी भी नहीं होती। मान लीजिए बीजेपी कह रही है 10 साल 20 साल 50 साल उसके बाद, लेकिन जो इतिहास लिखा जाएगा, आज भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, उस समय जनसंघ थी जब आपातकाल के पहले वाले दौर में, और वो अलग बहस का विषय कि उस समय क्या जाति हुई या नहीं हुई, मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं मानता हूँ जाति की श्रेणी में, लेकिन जिन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन के चक्कर में वो नाम पड़ गया उनका, लेकिन वहाँ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी उन सब चीज़ों को का विरोध करते हुए, उन सब चीज़ों की आलोचना करते हुए आज 50 साल बाद यहाँ सत्ता में है, लेकिन आज वो क्या कर रही है सबको दिखने में आ रहा है, जो हो रहा है वो सबके सामने है। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि तीन, अगर मान लीजिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बिना बहस के अगर पास होंगे या एक ही थॉट के साथ पास हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीजें भारतीय संसदीय इतिहास के लिए तो अच्छी नहीं है। भारत की इमेज कोई बहुत अच्छी बन जाए, अभी तात्कालिक, जो राजीव जी कह रहे थे कि तात्कालिक उद्देश्य भलाई पूरे हो जाएं और जितना चलना है उतनी, एक चुनाव दो चुनाव जो जीत गए आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्व में चुनावों का, लेकिन देश के लिए और लोकतंत्र के लिए तो मैं इन चीजों को ठीक नहीं मानता हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, राष्ट्र को समर्पित पार्टी और उस पार्टी की सरकार के जो काम है वो देश हित के नहीं माने जा रहे, और बड़े वर्ग के द्वारा अगर इस बात की चर्चा हो रही है, बड़े वर्ग का मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, राजनीतिक विश्लेषकों और सरकार और लोकतंत्र पर समझ रखने वालों की अगर नजर है ये, और ये रिएक्शन है, आपको नहीं लगता कृष्ण कुमार जानू जी कार्यशैली में एक बार पुनर्विचार की जरूरत है? मीना जी, धारा 370 के चलते जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में मारे गए थे, कैसी कार्यशैली थी तब की सरकारों की? आज भाजपा जनता के आदेश पर, जनता की अपेक्षा पर बहुमत के साथ चुनकर आई है, उस पर सवाल उठाना जरूरी है, उठाएंगे आप जैसे लोग, पत्रकार लोग, लेकिन जनता का जनादेश भाजपा के साथ चल रहा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जनता जो चाहती है राजनीतिक दलों को वही करना होता है और भाजपा वही कर रही है। विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है और यही कारण है बाहर अकेले घूम रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं है। मीना जी, हमें भारतीय जनता पार्टी को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि हम दलगत राजनीति करते हैं, हम दल से ऊपर राष्ट्र की राजनीति करते हैं, और वही आचरण भाजपा का सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर भी रहता है, इसीलिए जनता हमारे साथ रहती। मीना जी, धारा थी, अभी गोविंद जी आपकी बात सुन रही हूँ, कृष्ण कुमार जानू जी,
आप अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की जरूरत नहीं है तो आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में। कृष्ण कुमार जानू जी, सीखना तो निरंतरता का सबसे बड़ा प्रमाण है और निरंतर सीखना ही आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं एक प्रतीक है। गोविंद चतुर्वेदी मीना जी, आपने जो मुझे पर्टिकुलर कहा है शब्द पर मुझे समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और नीतिगत निर्णयों पर, सदन के निर्णयों पर, स्टूडियो में बैठकर हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा देश को गलत दिशा में ले जा रही है, संसद में गलत परंपरा पड़ रही है, अगर संसद में कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या हम उनके लिए लिबर्टी की मांग कर रहे हैं? क्या हम जस्टिफाइड कर रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों को निलंबन नहीं किया जाए? और निलंबन के बाद की प्रक्रियाएं हैं, मिमिक्री निलंबन से पहले नहीं बाद में बनी है, उस पर प्रतिक्रिया देना और सांसदों से गरिमा की अपेक्षा करना, क्या राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? जब सांसदों को विशेष प्रोटोकॉल पूरे सदन में और सदन के बाहर मिलता है तो फिर उनसे विशेष व्यवहार की भी अपेक्षा होती है। मीना जी, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाला नीतिगत निर्णय की बात जो आप कह रहा है वो उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। जम्मू कश्मीर में जब आपने 370 तो हटाई, उससे पहले उस समय की जो परिस्थिति थी लोकतंत्र बचाने के लिए वहां क्या करना चाहिए था? आप तो मुझसे ज्यादा जानते आदरणीय। ये लोकतंत्र नहीं है जानू जी, जो आप कह रहे हो लोकतंत्र में सीखने की बात तो आपके साथ आती है कि गृह मंत्री जब मुफ्ती हुआ करते थे, जब क्या हुआ था सरकार जब भी थी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ये लोग था सत्ता चलाने का, जिनको पहले मुक्ता महबूब जी को क्या बोलते थे, उनके साथ सत्ता के लालच में उनके साथ सरकार बना है, बिना नीति बिना सिद्धांत बिना नियत और बिना नेतृत्व के इंडिया बनाया ना। कृष्ण कुमार जी इतना बीपी हाई करने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है, यहाँ यहाँ चर्चा स्टूडियो में नहीं हो रही है, सब अपने अपने जगह पे अपने अपने प्रतिष्ठान में अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, इसलिए आप भी आप इस बात मीना जी ये तो भारतीय भवन को मानते हैं अपना, भारतीय भवन के बाहर नहीं जाते हैं जानू जी, भारतीय भवन की भी बात कर लो, भारतीय भवन हमारे लिए आइडल है कि कुछ लोगों के लिए गांधी परिवार आइडल है। गोविंद जी को पहले जो लोग तिरंगे को ही नहीं मानते हैं, जो लोग तिरंगे को ही नहीं मानते हैं क्या मानेंगे, उनकी पार्टी का झंडा ही तोड़ता है। राजेश जी आ रही हूँ आपके पास। गोविंद जी, मीना जी मैं इतना ही कह रहा था कि ये आज का इशू जो अपना था मैं उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, पर जानू जी ने जो जिक्र किया तो शायद धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया, किसी को उन चीजों पे कहीं एतराज नहीं है जो चीजें इस देश में समानता की बात करती हैं, लेकिन जानू साहब अगर मुझे कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी खरीदने की छूट नहीं थी और वो मिल गई तो वो छूट मुझे नॉर्थ ईस्ट में भी मिलनी चाहिए, पूरे देश का फिर एक ही कानून होना चाहिए। फिर जो अभी श्याम जी कह रहे थे कि एक इशू पर एक, मतलब आज तो इशू मेरा अलग हो गया और महबूबा मुफ्ती के टाइम पे सरकार गठन में, तो वहां फिर हमको वो भी अपना मेल संस्कृति और हमारे इतिहास के साथ मिलाना चाहिए कि हम जो बीजेपी का 80 में गठन के बाद चाल चरित्र और चेहरे की बात आई थी, वो चाल चरित्र और चेहरा जानू साहब अगर आप दिल पे हाथ रख के कहेंगे, मैंने 3 बार कह दिया, फर्स्ट टाइम भी जब अपन बैठे थे तब भी मैंने कहा कि किसी भी पार्टी प्रवक्ता को वो कहना चाहिए जो उसकी पार्टी की लाइन है, और मैं उससे बाहर जाके उससे न तो उम्मीद करता और न उनको सजेस्ट करता, वो आपको वही कहना चाहिए, लेकिन 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 हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पार्टी का अगर नीति और सिद्धांतों की बात है, नीति और सिद्धांतों पर चलने की हम बात करते हैं, चाहे वो पार्टी हो या नेता हो, तो फिर उनको हर सूरत में एक होना चाहिए, जो हमारे रामायण से लेके गीता तक सारे जिन ग्रंथों की हम बात करते हैं उन ग्रंथों में भी यही कहा गया है, तो हमको वो रखना चाहिए, उसके बाद फिर कोई इशू ही नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में एक देश एक विधान एक प्रधान एक संविधान की बात की, अगर पूर्वांचल में नहीं है तो विपक्ष आंदोलन चलाए, सरकार उसमें भी सहयोग करेगी, सब कुछ भाजपा करे विपक्ष देखता रहे, और इस प्रकार की अपेक्षा केवल भाजपा से क्यों, जिम्मेदार विपक्ष से क्यों नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आपसे अपेक्षा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपने तर्क को ठीक से सुनिएगा कि बीजेपी से ये तर्क जनता सुनेगी क्या,
कि अब आपको चाहिए तो आप आंदोलन करिए, तो आप सत्ता में क्यों है? आंदोलन करके सत्ता में आए ना आप, तो आप दूसरों से आंदोलन की अपेक्षा कर रहे हैं? जी गोविंद जी, जानू साहब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे पुरानी पार्टी भी को जिम्मेदारी दीजिए सर। नहीं, अभी आपके पास है जिम्मेदारी। जब सबसे बड़ी पार्टी के पास इस देश में 414 मेंबर पार्लियामेंट थे, तब उससे भी लोगों ने सवाल जवाब किए, 414 वाली से भी किए, राजीव जी के टाइम पे जब 414 आए थे, और आज मोदी जी के साथ अगर 303 है तो उनसे भी फिर वही हो रहा है। ठीक है, जवाब आए ना आए वो अलग बात। सवालों से बचा नहीं जा सकता कृष्ण कुमार जानू जी, चाहे सत्ता में कोई कितनी भी ताकत के साथ हो, इंदिरा गांधी, नेहरू और मोदी। अब बैठा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र को बचाने की मुहिम विपक्ष के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा जो शुरू की गई है, उसमें कितनी सफलता आने वाले दिनों में मिलेगी, ये एक सवाल है। लेकिन सरकार के लिए एक नसीहत भी कि इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया अगर चलती रहेगी और इस तरह का व्यवहार संसद में देखा जाएगा, तो उसे किसी भी सूरत में देश की जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भले ही तात्कालिक परिणाम विधेयकों को पारित करवाने तक सीमित हो, लेकिन दूरगामी परिणाम काफी कुछ बताने वाले होंगे। न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।